हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मियन किचन। आज हम बनाने वाले हैं मालपुआ और इनका टेस्ट एकदम गुलाब जामुन जैसा आता है और ये बहुत ही रसीला बनके तैयार होता है। तो देखिए ये मालपुआ कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मालपुआ बनाने के लिए हमने यहाँ एक बाउल लिया है और उसमें हम डाल रहे हैं 1 कप सूजी और 1/2 कप मैदा, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 6 से 7 बारीक कटे हुए काजू, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची को हमने शक्कर के साथ पीस लिया था और उसका ही पाउडर बना लिया है। और इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक ताकि मिठास थोड़ी सी बैलेंस हो जाए। और इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। अगर बेकिंग पाउडर आपके पास नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच शक्कर। अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं तो वो केवल 1 पिंच ही डालिएगा। और डाल देते हैं दूध की मलाई। अब हमें इन सब चीज़ों का अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर इसका मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाना है। तो मालपुए का बैटर बनकर रेडी है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप से है। और हमने यहाँ बैटर बनाने के लिए 1 गिलास दूध लिया था, उसमें से इतना दूध बच गया है। अब हमें बैटर को 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने देना है। तब तक हम मालपुआ के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो हमने यहाँ एक पतीली ली है और इसमें हम डाल देते हैं 2 कप शक्कर और डाल देते हैं 2 कप पानी। हमने जितनी शक्कर ली है उतना ही हमें इसमें पानी डाल देना है और डाल देते हैं इलायची पाउडर और इसे रख देते हैं गैस पर। और चाशनी के थोड़े अच्छे कलर और स्वाद के लिए हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी केसर। और इस चाशनी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस उबाल आने तक पका लेना है और इसकी चिपचिपी सी चाशनी बना लेनी है। तो चाशनी में उबाल आ चुका है और अब हम कर देते हैं गैस को बंद और इसे उतार लेते हैं और चाशनी को हमें ढककर रख देना है। इधर बैटर को भी 10 मिनट हो गए हैं और सूजी भी इसमें अच्छे से फूल गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं केसर वाला दूध। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास केसर है तो डालें, नहीं तो आप नॉर्मल दूध भी डाल सकते हैं। तो मालपुआ बनाने के लिए बैटर एकदम रेडी है और अब हमने रख दिया है गैस पर एक पैन और इसमें हम डाल देते हैं घी। घी में बने हुए मालपुए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसे तेल में भी बना सकते हैं। घी को हमें मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देना है। तो घी गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डाल देते हैं मालपुए का बैटर। और इन्हें हमें दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है और हम इनके ऊपर भी घी डाल देंगे जिससे ये जल्दी फ्राई हो जाए। तो ये एक साइड से फ्राई हो गए और इन्हें हम पलट देते हैं। इसी तरह हमें उलट पलट करके दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो मालपुए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इन्हें अब हम निकाल लेते हैं और इन्हें अब डाल देते हैं चाशनी में और तपेली को हमें ढक देना है। तब तक हम मालपुए का दूसरा बैच बना लेते हैं। तो जैसे हमने पहले मालपुए बनाए थे वैसे ही हम इन्हें भी बना लेते हैं।
तो अब हम इन्हें पलट देते हैं। हमें इन्हें दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये मालपुए भी बनकर तैयार है, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। हमने जो फर्स्ट बैच में मालपुए बनाए थे वो हमने पहले ही निकाल लिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई थी और उसका वीडियो नहीं आ पाया है। ये सेकंड बैच के मालपुए हैं और इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और ये थर्ड बैच वाले मालपुए भी हम इसमें डाल देते हैं। इन्हें भी हमें 2 से 3 मिनट तक चाशनी में डूबे रहने देना है और फिर इन्हें निकाल लेना है। तो सारे मालपुए बनकर तैयार है और इनके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ी सी चाशनी। और इन मालपुओं को हमने गार्निश किया है थोड़े से काजू से, और ये खाने में बिल्कुल गुलाब जामुन जैसे लगते हैं। इस त्यौहार आप इन्हें जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।